हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए समर स्पेशल आइसक्रीम रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे अमेरिकन नट्स आइसक्रीम, जो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और अमेजिंग बनके तैयार होगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम आइसक्रीम का बेस बनाएंगे। तो यहाँ मैंने एक भारी तले का पैन लिया है, जिसमें मैंने हाफ कप बिना उबला हुआ दूध लिया है। अब इसमें डाला है 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर। रेगुलर शुगर को मैंने मिक्सी में पीस लिया है, वही इस्तेमाल की है। 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। एक एडवाइस देती हूँ और एक टिप्स देती हूँ, जब भी आप कोई भी कॉर्नफ्लावर की चीज़ बनाएं तो उसे पहले इस तरह से मिक्स कर लीजिए, देन उसे आप पकाने रखिए गैस पे। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, जिससे कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। ऐसा करने से हमारा जो टेक्सचर आएगा ना, अगर हमारा बेस बढ़िया बनेगा तो हमारा आइसक्रीम का टेक्सचर भी बहुत बढ़िया आएगा। तो इसे आप ज़रूर फॉलो करें। तो इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं, देखिए कोई भी लम्स नहीं बचे इसमें। अब हम इसे गैस पे पकाने रखते हैं। तो हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। आपको कैसे पता चलेगा कि किस स्टेज पे आके हमें गैस बंद करनी है? तो देखिए, जो भी आप स्पैचुला यूज़ कर रहे हैं ना, उस पर ऐसी कोटिंग कंसिस्टेंसी आ जाती है। तो देखिए ये एकदम बन के तैयार है। अब हम इसे इसी तरह चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। तो अब ड्राई फ्रूट्स डालेंगे हम आइसक्रीम में। तो मैं यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ सारे ड्राई फ्रूट्स को। तो यहाँ मैंने 10 से 12 काजू और 10 से 12 बादाम को बारीक काट लिया है। उसी तरह मैंने 10 से 12 पिस्ता को भी बारीक काट लिया है। ड्राई फ्रूट्स जब भी आप आइसक्रीम में डालें तो ड्राई रोस्ट कर लें, उससे उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है आइसक्रीम में। तो इस तरह से इसे हम 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पे, और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब आगे के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैंने एक बड़े बाउल में 1/2 कप जो है चिल्ड व्हिपिंग क्रीम ली है। अब हम इसे बीट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बीटर से, जब तक कि इसमें एक सॉफ्ट पीक नहीं आ जाता। मैंने बहुत सारी रेसिपी अपने चैनल पर शेयर कर रखी है आइसक्रीम की, आप वहाँ चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं इस समर सीज़न में। तो देखिए यहाँ पर सॉफ्ट पीक आ गया है व्हिपिंग क्रीम में। अब इस स्टेज पर आके हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे 2 टेबल स्पून, और जो हमने आइसक्रीम का बेस बनाया था ना, मैंने उसे मेजरिंग कप में ट्रांसफ़र कर दिया है, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि वो कितना बन के तैयार हुआ है। तो ये 1/3 कप बन के तैयार हुआ है। अब इसमें जाएगा पाइनएप्पल एसेंस 1/2 टीस्पून। आप पाइनएप्पल एसेंस अगर आपके पास नहीं है तो आप वेनिला एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे हम एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक बीटर से बीट कर लेंगे। तो हमने जितनी व्हिपिंग क्रीम ली थी ना, उसकी डबल हो जाती है जब हम उसे व्हिप करते हैं। तो देखिए इस स्टेज पे आके अब हम इसमें जो है जेली डालेंगे। तो यहाँ मैंने शुगर कोटेड जेली का इस्तेमाल किया है, ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाती हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टूटी फ्रूटी। यहाँ मैंने रेड कलर का इस्तेमाल किया है, आप कलरफुल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ड्राई रोस्ट करके हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे वो इसमें डाल देंगे। और एक बड़ी चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ किशमिश। सारे इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से, जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं एक दूसरे के साथ। और इसे एक एयर टाइट कंटेनर में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। बहुत ज़रूरी है आइसक्रीम को एयर टाइट कंटेनर में ही जमाने रखें, जब भी रखें आप। अब इसे हम अच्छे से सेट कर देते हैं इस तरह से, जिससे कि जब हम इसे आइसक्रीम को बाहर निकालें, स्कूप इसका लें, तो एकदम परफेक्ट स्कूप हमारा निकल के आए। अब इसे हम क्लिंग शीट से जो है कवर कर देंगे। ज़रूर आप इसे कवर करिए, अदरवाइज़ इसमें आइस क्रिस्टल आ जाते हैं, जिससे बहुत ख़राब टेस्ट आता है आइसक्रीम का। अब इसका लिड कवर करके हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे। कम से कम ओवरनाइट आप इसे रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे एक दिन भी रख सकते हैं। और फ्रीज़र का टेम्परेचर एकदम हाई पे सेट कर दीजिएगा। मैं अपनी आइसक्रीम जो है पूरा एक दिन के लिए रखती हूँ, और मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कितना बढ़िया टेक्सचर हमारा आइसक्रीम का बना है, देखिए। और ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ, आपको दिखाई भी देगा, आप टेक्सचर देखिएगा जब मैं इसका आपको स्कूप निकाल के दिखाऊंगी। और फ्लेवर इसका एकदम अमेजिंग है, क्योंकि इसमें इतने सारे नट्स जेली है कि आप रुक ही नहीं पाएंगे। ये डब्बा आपका एक ही बार में जब आप खोलेंगे ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा हमारी रेसिपी को, और चैनल पर नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाली सारी अमेजिंग रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, एंजॉय दिस अमेजिंग आइसक्रीम, एंजॉय।